अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। राज्य मंत्री सतेश पाटिल ने किया नवी मुंबई का दौरा, एनएमएमसी आयुक्त से जाना कोरोना उपचार इंतजामों का हाल, लॉकडाउन में जब्त गाड़ियां छोड़ने का दिया संकेत। गृह राज्य मंत्री सतेश पाटिल ने आज नवी मुंबई का दौरा किया और मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात कर लॉकडाउन और कोरोना उपचार इंतजामों का जायजा लिया। गृह राज्य मंत्री ने आयुक्त के साथ नेरुल के मीनाताई ठाकरे हॉस्पिटल में भी दौरा किया और सुविधाओं का जायजा लिया। गृह राज्य मंत्री सतेश पाटिल ने कोरोना टेस्ट और उपचार के लिए मनपा द्वारा किए जा रहे इंतजामों को संतोषजनक बताया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक, उप महापौर मंदाकिनी मात्रे, वरिष्ठ नेता संतोष शेट्टी, प्रवक्ता रविंद्र सावंत, नासिर हुसैन समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। राज्य मंत्री ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने आरटीपीसीआर ची लॅब ही 2 दिवसांमध्ये चालू होती आहे, त्यामुळे टेस्टिंगची कॅपॅसिटी आज अँटीजेन टेस्ट ज्या 20 सेंटरमधून होत आहेत त्याची कॅपॅसिटी वाढेल आणि 1000च्या वर टेस्ट दिवसा ह्या आरटीपीसीआरच्या माध्यमातून पुढच्या 2 दिवसांमध्ये नवी मुंबईकरांसाठी उपलब्ध त्या ठिकाणी होणार आहे। त्याचबरोबर एक डॅशबोर्ड की बेडची अवेलेबिलिटी काय आहे यासाठी एक डॅशबोर्ड, लाईव्ह डॅशबोर्ड जो सगळ्या हॉस्पिटलशी कनेक्टेड असेल त्याचंही नियोजन त्यांनी त्या ठिकाणी केलेलं आहे आणि जेवढ्या उपाययोजना करता येतील ज्या तत्परतेने करता येतील ते करण्याची भूमिका आम्ही सर्वच मंडळी घेतोय, महापालिकाही त्याच पद्धतीने काम करते आणि मग जनरल हा एक आढावा माझी मी माहिती घेतली ते आढावा घेतलेला। बता दें कि नए मनपा आयुक्त से मिलने पहुंचे गृह राज्य मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि लॉकडाउन में नियमों के उल्लंघन के लिए जितनी भी गाड़ियां जब्त की गई हैं उन्हें मुक्त कराने के लिए वे पुलिस आयुक्त से मुलाकात करेंगे और सकारात्मक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। बता दें कि नवी मुंबई में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने 400 से अधिक गाड़ियां जब्त कर रखी हैं। वाहन जप्तीचे वगैरे निर्देश ऑलरेडी शासनाने दिलेले आहेत, त्या पद्धतीने वाहन सोडण्याचं काम देखील त्या त्या कमिशनरेटमध्ये सुरू आहे। मी इथली माहिती आता मी आढावा घेणार आहे, आता इथून गेलो की कमिशनर ऑफिसलाच जाणार आहे, तर तिथेही मी जी विस्ताराने माहिती घेतो की काय पोझिशन आता आहे, किती वाहनं जप्त केलेले आहेत, किती सोडलेले आहेत, त्याची माहिती घेतो, परंतु लोकांना त्रास होणार नाही ही भूमिका पोलिसांची निश्चितपणे असेल। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।